अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपनी जमात को आगे बढ़ाइए और अपने नेता से काम लीजिए। आपके नेता की सरकार में हम हैं? नहीं है। विपक्ष में हम हैं? विपक्ष का लोग भी हमारे साथ नहीं है। विपक्ष का लोग तो ये कहता है कि भाई MIM जीत गई है तो हमारा ही वोट बैंक खिसक जाएगा। याद रखिए, हम सत्ता के भी खिलाफ है और निगम में विपक्ष के भी खिलाफ है। आज प्याज की कीमत 100 रुपए हो गई है, अभी 120 रुपया सेब से ज्यादा प्याज की कीमत हो गई है, लेकिन आज विपक्ष मुंह में आवाज नहीं है। आज क्या हो गया है, हमारा एक आदमी मवेशी को हाथ के ले जा रहा था और जमाल नाम के एक आदमी को कटिहार में पीट पीट कर मार डाला और न कोई सत्ता पक्ष का कोई आया न कोई विपक्ष का आया है। तो हम सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी विपक्ष में खड़े हैं। किसकी ताकत पर? वो आपकी ताकत पर। मेरे भाई, और बार भी जीता था MLA आपका, लेकिन पूरा बिहार भी नहीं जान सका था, और अब की बार आपका MLA जीता है तो पूरा हिंदुस्तान आपके MLA को जान रहा है। मेरे भाई, अभी हैदराबाद गए नमाज पढ़ने लगे तो वहां फुलका माला लेके हाजिर है लोग। सामान खरीदने के लिए कहीं गए तो देख लिया कि हमारा MIM का MLA है, दौड़कर वहां फुलका माला लेकर हाजिर है। पटना जीत कर गए तो मुजफ्फरपुर में कोई गाड़ी रोकता है, कोई दरभंगा में गाड़ी रोकता है, और दर्जनों जगह पटना में बुलाकर आपके MLA की इज्जत करता है। ये क्या है? ये इज्जत दरअसल ये है कि पूरे बिहार की आप पर जिम्मेदारी है। बिहार के दूसरे हिस्सों में जो लोगों पर जुल्म होता है, यही जो चाकर है। मैंने कहा था ना, टिकट लेने के लिए ये लोग पार्टी की गुलामी करते हैं, और गुलाम कभी भी अपने मालिक को आग दिखाकर बात नहीं कर सकता है। बकिया खाने वाला दुकान को धमका नहीं सकता है। जो नकदी खाएगा दुकानदार को धमकाने का काम करेगा। MIM नक खरीदने वाली पार्टी है, जिसको चाहेगा जब चाहेगा धमकाने का काम करेगा।